जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में आठ कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं, कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ है या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, मिशन खत्म हो जाएगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग अग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना। आप फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को कच्ची को द्वारा एक किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, बाजार में 3 रुपया किलो, और मेक्सिको उसको 5.75 रुपया किलो दे, बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3.80 रुपया से 5 रुपये तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा, और इस बीच 35 से 40% जो वो बोता है वो खराब होता है।